काम कर रहा है। इनका भी एक फंक्शन आज कम्प्लीट कर रहे हैं। देखिए कल हम लोगों ने जो पढ़ा था थोड़ा सा अंतर है। कल हम लोग टेम्परेचर बाथरूम पढ़े थे, आज हम लोगों को टेम्परेचर और जो है प्रेशर पढ़ना है। हो बहुत डेरिवेशन एकदम उसी तरह का है जैसा कि कल हम लोगों ने जो है किया था, उतनी ही मेहनत इसमें भी करना है जितना उसके लिए हम लोग किए। चलिए देखिए जो है बात हम लोगों को एक रिलेशन डेवलप करना है। कल भी हम लोगों ने किया था, कल जो है चेंजिंग ट्रॉफी का, चेंजिंग टेम्परेचर और चेंजिंग वॉल्यूम फिटर। आज हम लोगों को चेंजिंग ट्रॉफी का, चेंजिंग टेम्परेचर और चेंजिंग प्रेशर के टर्म में रिलेशन जो है डिराइव करना है। जैसे कल हम लोग किए थे उसी तरह से आज भी डेरिवेशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखे जाए। If the entropy is considered as, if the entropy is considered as a function of temperature and pressure, a function of temperature and pressure, then can be written as, then can be written as, yes, a function of P, comma P, पढ़ते and है, लिखते हैं comma, yes, a function of P, comma, आर डिफरेंशिएशन। इस लाइन के जस्ट नीचे लिखिए आर डिफरेंशिएशन। चलिए यस का डिफरेंशियल तो हो गया डीएस। अब इधर किसका डिफरेंशियल लिखेंगे तो इधर भी यस का ही लिखेंगे। हमने आपको एक दिन बताया था ना कि इधर पूछिए कि कौन टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, तो एंट्रोपी है, तो इधर भी एंट्रोपी का ही लिखना है। एक बार टेम्परेचर के टर्म में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर और डीटी प्लस, दोबारा प्रेशर के टर्म में क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर इनटू डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। तो इस तरह से आ रहे हैं।
देखिए आप इतना लिखने के बाद आप कह सकते हैं कि सर जो आप कह रहे हैं कि संघीय रिलेशन लाना है, तो वो रिलेशन तो आ गया मेरा। देखिए डी एस डी टी डी पी हमने तो वही बताया था कि यही रिलेशन लाना है, रिलेशन आ गया। दिक्कत ये है कि यह जो रिलेशन आया हुआ है इसमें दो पार्शियल डिफरेंशियल के टर्म है, ये हमारे लिए दिक्कत है। यहाँ पर कांस्टेंट टाइप का कुछ होना चाहिए। तो अब अगला मेरा टारगेट यही है कि इस डिफरेंशियल का मान कांस्टेंट के टर्म में कैसे लाएंगे, इसका मान कांस्टेंट के टर्म में कैसे लाएंगे, यही अब हमको करना है। अब इसके लिए जो भी हमको मेहनत करनी पड़े जो भी, लेकिन रूल यही कि सर इसका इसका दोनों का मान हम कांस्टेंट के टर्म में लाएंगे और इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे, वही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हम लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए अब उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो लिखिए, तब आगे लिखिए, वी नो दैट द कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TdS equal to dE plus PdV equation number 2 TdS equal to dE plus PdV equation number 2 ठीक है। आगे लिखे सिंस यच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी देखिए यह जो रिलेशन लिखा हुआ है यच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी इस रिलेशन की मदद से हम डी का मान निकालें, क्योंकि देखिए वहां पर हमको डी भी नहीं चाहिए, डी टी चाहिए, तो डी टी कहाँ से आएगा, डी की मदद से आएगा। तो अब हम डी का मान लेकिन इनथैल्पी की मदद से निकालें। तो देखिए हमने लिख दिया या चिट कर बी प्लस बी भी, लेकिन हमको चाहिए मान डी का, तो इसकी मदद से पहले ई का फार्मूला निकालें। ई इक्वल टू क्या होगा, एच माइनस पी भी। अब हम इसका डिफरेंशियल करें, ठीक है। तो लाइन उतार लीजिए, चलिए अब डिफरेंशियल करते हैं। E का डिफरेंशियल DE, H का डिफरेंशियल DH। इसमें देखिए दो दो फंक्शन है, तो P को कांस्टेंट कीजिए V का कीजिए DV, V को कांस्टेंट कीजिए P को कीजिए VdP। ठीक है, मैंने देखिए बात सुनिए, हम जो है चाहते थे कि हम डी को यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं, और चाहते थे कि उसमें टेम्परेचर और जो है क्या कहते हैं कि टेम्परेचर का टर्म आ जाए, प्रेशर का आ जाए किस तरह से। देखिए तो इस तरह से देखिए इसमें प्रेशर वगैरह आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डी के मान को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखिए जरा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डीई substituting the value of DE in equation 2 we get, आइए equation number 2 में मान रखते हैं, TdS equal to TdS इक्वल टू मान लीजिए D के जगह
डी एच माइनस बी डी बी माइनस भी डी बी, ये तो इसका हो गया। फिर इसके बाद भी आपको लिखना है पी डी भी, और ये निगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, आपको मिलेगा टी डी एच इक्वल टू डी एच माइनस भी डी पी आर डी एस इक्वल टू डी एच अपॉन टी माइनस भी बाई टी डी पी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थ्री। देखिए बात अब करना क्या है, जो है यह जो इक्वेशन नंबर थ्री में देखिए, ये आपका डी एच का टर्म है। हम जो है चाहते थे, देखिए बात सुनिए, हम इक्वेशन नंबर टू में चाहते थे कि टेम्परेचर का टर्म आ जाए और जो है क्या कहें कि प्रेशर का टर्म आ जाए। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर थ्री आया, इसमें प्रेशर तो हाजिर हो गया लेकिन अभी भी टेम्परेचर का है, तो अब हमको इसमें टेम्परेचर का मान लाना है। किसकी मदद से? तो ये जो एंथैल्पी है इसकी मदद से। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ हमने लिखा है कि एंट्रोपी हमारी जो है टेम्परेचर और प्रेशर की फंक्शन है, मानी एंट्रोपी शेप फंक्शन है। उसी तरह से यह भी एंथैल्पी लिखा हुआ है कैपिटल एच, यह भी शेप फंक्शन है, तो यह भी टेम्परेचर और प्रेशर की फंक्शन है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे कि एंथैल्पी या तो स्टेट फंक्शन, सो इट विल बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिखे जाए एंथैल्पी या तो स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी या तो स्टेट फंक्शन, तो क्या लिखेंगे हम, तो बात सुनिए, हम लिखेंगे या कि ये फंक्शन ऑफ टी कामा पी, या कि ये फंक्शन ऑफ टी कामा पी आन डिफरेंशिएशन। चलिए इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए आपको डी एच की वैल्यू मिलेगी। देखिए हम आपको बता दिए थे कि डी एच का मान हमको खोजना, तो देखिए जैसे डिफरेंशियल करेंगे डी एच मिल जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, डेल एच डेल टी कांस्टेंट टी इंटू डी टी प्लस डेल एच डेल पी कांस्टेंट टी इंटू डी टी। ठीक है, इतने चलिए ये बताइए जो है इसको क्या लिखते हैं, सोच के बताइए इस पोर्शन को क्या लिखते हैं। बोलिए बोलिए, आप लोगों को मालूम है सी पी। चलिए ये हो गया सी पी इंटू डी पी प्लस ये ऐसे ही रहेगा डेल एच डेल पी कांस्टेंट टी इंटू डी। तो देखिए डी एच का मान हमने टेम्परेचर के टर्म में ला दिया, प्रेशर भी चाह रहे थे, ठीक है। अब इसका मान हम इक्वेशन नंबर थ्री में रख देंगे, डी एच और टेम्परेचर प्रेशर सब आदि हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है, डी एच का मान इक्वेशन नंबर फोर से इक्वेशन नंबर थ्री में रखेंगे क्योंकि यहीं पर वो रिलेशन है। तो लिखे जाए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
डीएच इन इक्वेशन थ्री वी गेट, आइए इक्वेशन नंबर थ्री में मान रखते हैं डीएच इक्वल टू वन बाई टी हो गया, डीएच की जगह रखिए सीपी डीटी डेल एच डेल पी कांस्टेंट टी इनटू डीपी वन बाई टी और माइनस वी बाई टी डीपी मान रख दिया तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे जो है कि 1 by t से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो ठीक है। चलिए मैं मिटा के लिखूंगा, अगर आप लिख लिए होंगे तो आपको दूसरी लाइन लिखना है। हम 1 by t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो मान रखे थे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो गया 1 by t और यहाँ भी आपका हो जाएगा प्लस 1 by t और ये हो गया आपका ये अगली लाइन है। वन बाई टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड ईयर नहीं है, थर्ड ईयर अंदर हो इधर सही है, इधर तेरा रास्ता है, इसी में से इधर जाना है। पहले थर्ड ईयर भी चलता था पर हो गया भाई। चलिए बात सुनिए जो है देखिए इस तरह लिखने का मेरा पर्पज ये था कि जब वन बाई टू में देखिए अब यह पहला टर्म तो आपका ऐसे ही रहेगा डी एस ओ का डी डी पी हो जाएगा ब्रैकेट कहाँ तक है अपने ऊपर वाली लाइन में ख्याल करो ब्रैकेट कहाँ तक है सर पूरे इक्वेशन में कर रहा है। अरे भाई ब्रैकेट देखो कहाँ तक है ब्रैकेट तो सर डेल एच अपन डेल पी तो ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई करेगा। जरा देखे काफी कैसे लिखे हो अपने मन से थोड़े ना करे 1 by t को उसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किए वो उधर कैसे जाएगा भाई वो ब्रैकेट तक ही रहेगा केवल दो ही टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि अलग से लाए हैं मल्टीप्लाई करने वो तो उसका था उसका कर दिए हम जो है किए इसलिए हैं। अब देखिए अब जो है अब हम इन दो को एक साथ लेंगे क्योंकि अब इसमें दो चीजें कामन है 1 by t और dp यहाँ भी 1 by t dp। आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं ले रहे तो इसमें dp कामन नहीं तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई किए थे उन दोनों को एक साथ लेने के लिए। तो यहाँ से आपका हो गया cp अपॉन t इंटू dt और इसमें देखिए हम दो कामन लेंगे देखिए एक बार इधर 1 by t कामन लेंगे और इधर हम dp कामन लेंगे देखिए दोनों को एक साथ ले रहे हैं। यहाँ सोचिए क्या मिलेगा डेल एच डेल बी कांस्टेंट टी केवल इतना बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा माइनस बी इसलिए मल्टीप्लाई किया उसके साथ उसको एडजस्ट करने के लिए तो डी एस इक्वल टू हो गया। इस लाइन को आप उतारिए और इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर फाइव हो गया। चलिए अगर इक्वेशन नंबर फाइव हो गया तो आप इक्वेशन नंबर फाइव और वन को देखिए देख के बताइए हमको दोनों में क्या रिलेशन है।
इक्वेशन नंबर 1 और 5 लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। दूसरी बात, दोनों में सेम तरह के टर्म है, देखिए यहां भी डी थी तो यहां भी डी थी, यहां भी डी थी तो वहां भी डी थी, ठीक है, मतलब दोनों एक टर्म ये एक तरह के इक्वेशन है और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि राइट हैंड साइड सेम होगा, हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। किसका कंपैरिजन करेंगे, तो जो dt का कोफिशिएंट है dt के बराबर और dp का जो कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन के dp के कोफिशिएंट के बराबर जो है करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं 1 और 5 को, देखिए आर कंपेयरिंग द coefficients of dt and dp of equation 1 and 5 we get। आइए कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का देखते हैं dt का कोफिशिएंट क्या है, डेल s डेल t कांस्टेंट p, ये इक्वेशन नंबर 1 का dt का कोफिशिएंट है। और 5 का देखिए dt का कोफिशिएंट क्या है, cp / t, देखिए एक रिलेशन मिल गया। या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 1 / t डेल h डेल t कांस्टेंट p, इक्वेशन नंबर 6। एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको मिल गया है, एक और इक्वेशन मिलेगा वहां तक 4.5 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए हम जो है dp के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, डेल s डेल p कांस्टेंट t इज इक्वल टू, अब वहां पे लाइए 1 / t डेल h डेल t कांस्टेंट t माइनस v, इक्वेशन नंबर 7। ये दोनों इक्वेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, 4.5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं प्रूफ करने के लिए। अगर पूरा रिलेशन पूछा तो 9 नंबर, यहां पे पूछेगा तो 4.5। हो गया, लग रहा है कि शुरू का ही आपने कुछ छोड़े थे उतारे नहीं थे। चलिए अब बात सुनिए, जो है हम लोगों को करना क्या है, अब हम फिर इक्वेशन नंबर 1 पर चलते हैं। हमने शुरू शुरू में ही बताया था कि ये जो है इसका मान और इसका मान हमको कांस्टेंट के टर्म में चाहिए। देखिए इसका मान इक्वेशन नंबर 6 में आ चुका है, cp / t कांस्टेंट टेंपरेचर पर हीट कैपेसिटी की वैल्यू कांस्टेंट, आधा काम मेरा हो गया। अब जो कुछ भी हमको एक्सरसाइज करना है केवल इसका मान लाने के लिए कांस्टेंट के टर्म, और जैसे इसका मान आ जाएगा हम दोनों को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो अब हमको ये सोचना है कि ये जो सेकंड वाला पार्शियल डिफरेंशियल है इसका मान कैसे आएगा। तो अब इसके लिए थोड़ा सा और आपको मेहनत करना है। मेहनत क्या करना है कि इक्वेशन नंबर जो 6 है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, इसके रिस्पेक्ट में तो प्रेशर के क्या कांस्टेंट होगा टर्म। देखिए ये सारी चीजें मैं कहाँ से कह रहा हूँ, इसी इक्वेशन को देख के कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि सर एंट्रोपी टेंपरेचर और प्रेशर की फंक्शन है, तो एंट्रोपी को हम एक बार टेंपरेचर से डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा प्रेशर से,
तो देखिए ये इक्वेशन बता रहा है कि सर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हो चुका है, प्रेशर कांस्टेंट है, मींस एक बार और आप प्रेशर के टर्म में कर लीजिए टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, एक तो काम मेरा ये करना है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 7 को देखिए, इक्वेशन नंबर 7 कह रहा है कि सारे ट्रैफिक को प्रेशर के टर्म में किया जा चुका है, एक बार और इसको आप टेम्परेचर के टर्म में कर लीजिए, यानी एक बार हमको और इक्वेशन नंबर 6 और 7 का पार्शियल डिफरेंशियल करना, केवल यही हमारा जो है अब काम है। तो चलिए तब शुरू करते हैं। लिखे जाए इक्वेशन और 6 को क्यों नहीं प्लॉट कर सकते हैं? हां इक्वेशन और 6 को क्यों पुट नहीं कर सकते हैं? तो करेंगे क्या क्या क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे हम तो कह रहे हैं कि करेंगे। इस समय इसलिए नहीं कर रहे कि विद्यालय का कंटेंट ही आया है ना भाई। अच्छे अरे भाई कहा जा रहा है सीपी भाई की, इसकी बात क्यों कर रहे हो? बात इसकी करो जो ये तो हमने इसको जबरदस्ती दिखा, आपका मान तो इसमें आ गया है। दूसरी बात यह है कि अभी इसमें पुटअप करने से हमको क्या फायदा मिलेगा? आधा ही काम मेरा हुआ, जब दोनों खोल लेंगे तो रख देंगे कई बार। अभी तो आधा ही मिला है हमको, दोनों खोज लेंगे तो दोनों को ये कई बार इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। अभी यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आधा ही हुआ, आधा ऐसे खोजना है तो पहले खोज ले और इसके बाद दोनों को ला के रख देंगे। हमको इसी तरह का टर्म चाहिए। आप इसकी बात ना करिए, इसकी बात करिए। इसको मैं इसलिए लिखा हूँ कि आपसे 4.5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। 4.5 नंबर में पूछेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा रिलेशन। तो वो भी जानिए कि वो भी है सीपी अपॉन। चलिए तो काम करते हैं, तो लिखे जाए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू पी, With respect to P at constant t, आइए इक्वेशन नंबर 6 को P के रिस्पेक्ट में करते हैं। देखिए इतना लिखने का मतलब P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, जिसका होना है उसमें लिखिए डेल एस डेल टी कांस्टेंट भी, इसका होना है किस कंडीशन में? तो कांस्टेंट अप्रोच। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया आइए इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी लिखते हैं। डेल अपॉन डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है और ये हो गया 1/t डेल एच डेल टी कांस्टेंट पी। क्या कांस्टेंट होगा? टी। देखिए हमने लिख लिया ये कोष्टक लगाएंगे नहीं लगाएंगे तब भी अंडरस्टूड है, हो जाएगा। देखिए अब यहां सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, डेल स्क्वायर एस डेल पी डेल टी कुछ कर, ये सीधे मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ देखिए टी आपका कांस्टेंट है तो 1/t कांस्टेंट होगा, ये बाहर हो जाएगा, ये 1/t बाहर हो गया। अब पी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करें, जब पी के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो देखिए ये सीधे सीधे ऐसे आएगा डेल स्क्वायर एच डेल पी डेल टी। एक लाइन हमने कम कर दिया है क्योंकि कल हमने बताया था अलग अलग कर। चलिए तो अब इसका भी मेरा आधा काम हो गया। अब फिर इक्वेशन नंबर 7 को लेते हैं और इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टेम्परेचर के। क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर। लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7
विथ रिस्पेक्ट टू जी एट कांस्टेंट पी, एट कांस्टेंट पी आइए इक्वेशन नंबर 7 का करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 7 है मेरा जो है किसके रिस्पेक्ट में टी, तो इतना लिखने का मतलब होगा टी के रिस्पेक्ट में होना है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 7 है पूरा, इसको लिखिए डेल एस डेल बी कांस्टेंट टी, इसके साथ क्या कांस्टेंट होगा देखिए लेफ्ट साइड हमने लिखी। अब राइट हैंड साइड में आइए डेल अपॉन डेल जी के रिस्पेक्ट में होना है, पूरा पोर्शन लिखिए 1/t वन बाई टी डेल एच डेल बी कांस्टेंट टी माइनस भी, और ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है चलिए अब इसका हल कर देते हैं, यही रिपीट होगा डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल बी, यही आपका जो है बार बार रिपीट होगा जो है। अब आइए अब इसकी बात करते हैं, देखिए जो है 1/t को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग डिफरेंशियल के टर्म में लिखेंगे। देखिए मैं पहले लिख रहा हूँ, देख लीजिए आप ये हो गया डेल अपॉन डेल टी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा 1/t इंटू डेल एच डेल पी कांस्टेंट टी, और पूरे के साथ क्या कांस्टेंट है हमारा पी, देखिए आधा क्वेश्चन हमने लिख दिया 1/t को पहले वाले में मल्टीप्लाई करके टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल लिख दिया। अब जो दूसरा वाला है उसको भी माइनस करके अलग से लिखेंगे डेल अपॉन डेल टी 1/t इंटू वी, इसके साथ क्या कांस्टेंट होगा आपकी देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को हमने अलग अलग इसमें से भी दो पार्शियल डिफरेंशियल मिलेगा, इसमें से भी दो मिलेगा, चार पार्शियल डिफरेंशियल आएगा। ठीक है चलिए पहले हम इसको लिखते हैं, ये तो ऐसे आपका रिपीट होता रहेगा। देखिए आप पहले 1/t को हम कांस्टेंट मानेंगे तो 1/t बाहर हो गया, तो अब जो है टी के रिस्पेक्ट में किसका करेंगे डेल एच डेल पी कांस्टेंट टी और ये कांस्टेंट। देखिए अभी आधा क्वेश्चन हुआ मेरा 1/t को बाहर किया टी के रिस्पेक्ट में इसका कर दिया कांस्टेंट प्रेशर पर। अब आइए प्लस करके अब इसको बाहर करेंगे डेल एच डेल पी कांस्टेंट टी, इसको बाहर करेंगे अब किसका डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे 1/t का, किस कंडीशन में तो कांस्टेंट प्रेशर। जो न समझ में आए बता दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में ना आए, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है कि दो दो फंक्शन रहेगी तो दोनों का क्रम से हमको लिखना पड़ेगा। वो 1/t लिखा हुआ है 1/t डेल अपॉन डेल टी 1/t का लिखा हुआ है कांस्टेंट। अब देखिए बात सुनिए, अभी ये बाकी है इसमें भी दो टर्म मिलेंगे क्योंकि एक फंक्शन 1/t है दूसरा भी है, लेकिन दोनों टर्म हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये देखिए माइनस करके 1/t को बाहर कीजिए
तो अब भी के भी का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के, क्या कांस्टेंट होगा, पी, एक काम हो गया। अब माइनस करके अब भी को कांस्टेंट करिए, वन बाई टी डेल टी, और ये हो गया कांस्टेंट। अब जाके कंप्लीट हो सब में दो दो फंक्शन है, जब सब में दो दो मिलेंगे यानी चार डिफरेंशियल की टर्म आप मिल गए। आगे बढ़ाएं, चलिए देखिए ये तो आपका ऐसे ही रिपीट होता आएगा। अब बात करते हैं जो है इसकी, देखिए ये वन बाई टी को ऐसे रहने दीजिए और इसको इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, डेल स्क्वायर एच डेल टी डेल टी, पहला का काम हो गया डेल टी डेल टी, प्लस इसको ऐसे रखिए डेल एच डेल पी कांस्टेंट टी, और ये हो जाएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ये कल करके दिखाए थे ना, वन बाई टी का टी के रिस्पेक्ट में वैल्यू माइनस वन बाई टी स्क्वायर। अब आगे बढ़ाते हैं माइनस, अब यहाँ आइए वन बाई टी डेल भी डेल टी कांस्टेंट टी माइनस भी, और फिर माइनस वन बाई हो जाएगा टी स्क्वायर। अब आइए फाइनल लाइन लिखते हैं जो है, अब इसको लास्ट में उतार दे रहे हैं डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल टी। आप भी इस लाइन को उतारिए, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ उतारिए, यहाँ हो जाएगा वन बाई टी डेल स्क्वायर एच डेल टी डेल पी, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर डेल एच डेल पी कांस्टेंट टी, और ये हो जाएगा माइनस वन बाई टी डेल भी डेल टी कांस्टेंट पी, और ये हो जाएगा प्लस डी बाई टी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 9। सुनिए अभी इसको इक्वेशन नंबर 9 कहिए मत, अभी थोड़ा काम लेना है, एक बार और लिखना पड़ेगा ये, अभी इसको इक्वेशन नंबर 9 मत लिखिए, इसमें थोड़ा सा हमको काम लेना है। देखिए हम एक अभी कामन लेने के बाद कब 9 कहेंगे, यहाँ भी 9 कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कामन ले लेने दीजिए। देखिए ऐसा है कि इसमें चार टर्म है, देखिए एक दो तीन चार, दो टर्म में वन बाई टी है, देखिए वन बाई टी वन बाई टी, इन दोनों को एक साथ रखेंगे वन बाई टी कामन करके, और दो में देखिए वन बाई टी स्क्वायर वहाँ भी वन बाई, तो चार में दो में वन बाई टी है दो में वन बाई टी स्क्वायर है, तो दोनों में कामन ले लेके हम जो है इसको एक साथ लिखेंगे। तो चलिए अब इसको कामन लेके लिखते हैं जो है, देखिए 1 बाई टी वाले को मैं कामन ले रहा हूँ, तो 1 बाई टी कामन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर एच डेल टी डेल पी,
और यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस डेल वी डेल टी कांस्टेंट पी, ये 1/t वाले टर्म होंगे। और दूसरे में कॉमन लीजिए माइनस 1/t स्क्वायर, तो जब कॉमन लेंगे माइनस 1/t स्क्वायर तो डेल एच डेल पी कांस्टेंट टी ये मिलेगा, और फिर लास्ट में आपको मिलेगा माइनस वी। इसको कहिए इक्वेशन नंबर 9, इसको कहिए इक्वेशन नंबर। केवल कामन लेने के लिए एक लाइन बढ़ाया गया और कोई दूसरा मुश्किल नहीं। चलिए बात ये करते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 8 कब आया है, तो जब इक्वेशन नंबर 6 का एक बार और डिफरेंशियल किए। इक्वेशन नंबर 9 कब आया है, जब 7 का एक बार डिफरेंशियल किए। तो इक्वेशन नंबर 8 और 9 के जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपस में सेम होंगे, जब सेम होंगे तो 8 और 9 के राइट हैंड साइड भी आपस में सेम। इसी को लिखना है, लिखिए जरा, सिंस ds, since ds, ds का मतलब चेंज इन एंट्रोपी, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सो डेल स्क्वायर एस डेल पी डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल पी। बात सुनिए तो है, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 8 और 9 दोनों के राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे। तो ये देखिए ये 8 का राइट हैंड साइड है, ठीक है, इसको आप लिखना शुरू कीजिए। इक्वेशन नंबर 8 का राइट हैंड साइड बता रही है 1/t इनटू डेल स्क्वायर या चपान डेल पी डेल टी, और उसके बाद बराबर का साइन बनाइए, और साइन बनाने के बाद अब ये उतारिए पूरा यहाँ पे लेके यहाँ तक उतारिए जो लिखा हुआ है। चलिए बात सुनिए, आप देखिए हम इसी में मिटाएंगे, आप नया लीजिए, हम 1/t को तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इसको ऐसे बचा के रखेंगे। तो जब 1/t को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1/t और यहाँ भी आ जाएगा आपका ये माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया 1/t और ये जैसे है वैसे रहेगा। आपकी लाइन उतार दी,
आगे बढ़ावे। देखिए ऐसा करने से फायदा ये है कि यह जो पहला टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए 1/2 को मल्टीप्लाई किया, कैंसिल कीजिए पहला को लेफ्ट हैंड साइड से। अब इसके बाद सुनिए, ये -1/2 स्क्वायर वाले को इसको इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। हमारे साथ लीजिए डेल एच डेल बी कांस्टेंट टी माइनस वी, और जो बचा है इसको इधर लिख दीजिए -1/2 डेल वी डेल टी कांस्टेंट पी। ठीक है, अब देखिए हम चाहते हैं कि केवल हमको इधर ये मिले डेल एच डेल वी कांस्टेंट टी माइनस वी, केवल इतना मिले, तो 1/2 स्क्वायर से इधर भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा -t² / t, तो ये डेल वी डेल टी कांस्टेंट टी। अब बात सुनिए, जो है टी से आप इस स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, आज जब कैंसिल करेंगे तो सुनिए अगली लाइन में क्या मिलेगा, मैं मिटा के लिख रहा हूँ आप लिखेंगे -t। देखिए अगली लाइन में
डेल एस डेल पी कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस अल्फा वी, इक्वेशन नंबर टू। देखिए एक पार्शियल डिफरेंशियल की वैल्यू सी पी बाई टी इक्वेशन नंबर सिक्स में आया है, दूसरा का मान माइनस अल्फा वी इक्वेशन नंबर ट्वेल्व में आया है। दोनों के मान को ले जाके इक्वेशन नंबर वन में रख दीजिए, यही अभी चल रही है। देखिए लास्ट में जरा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ये लिखना है डेल एस अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी, पुटिंग द वैल्यूज केवल इतना लिखना है डेल एस डेल टी कांस्टेंट पी, एंड अब ये लिखना है डेल एस डेल पी कांस्टेंट टी from equation 6 and 12 putting the value of कहाँ से कुछ नहीं लिख पाए, चलिए तो हाथ में दिखा रहा हूँ, लिखिए putting the value of ये डेल एस डेल टी कांस्टेंट पी एंड ये लिखिए डेल एस डेल पी कांस्टेंट टी from equation 6 and 12 from equation 6 and 12 in equation 1 आगे equation number 1 में मार रखते हैं ds equal to यहाँ पर रखिए cp upon t into dt plus minus alpha v into dt r ds equal to cp upon t dt minus alpha v into dt equation number 13 यही रिलेशन हम लोग डिराइव कर रहे थे जो है, तो इस तरह से रिलेशन दो रिलेशन हम लोग को पढ़ना था चेंजिंग एंट्रोपी के लिए, रिलेशन समाप्त हो गया। देखिए थोड़ा लंबा है लेकिन ये है कि हम तो राय देंगे कि अगर पूरा नहीं तैयार कर सकते हैं तो कम से कम 4.5 नंबर वाले तक तैयार कीजिए, क्योंकि वहाँ तक इक्वेशन 6 और 7 को बार बार पूछा होता है।